और माँ से फल प्राप्त करें। महाआरती के बाद कालका मंदिर के परिसर में भक्तों को बांटा गया प्रसाद। मकसद यही था कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट, रोशनी एक्ट में जिनके इंतकाल गर्दावियां खारिज की गई हैं, उनको नोटिस दिए गए हैं कि बेदखली के मकानों को खाली करो, जमीन में बुवाई नहीं करना है। तो वो सारे लोग जो हैं पहाड़ी लोग हैं, हमारा इलाका ऐसा है कि वो सारे बेदखल हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। सर से हमारी मांग है वो मुल्क बता दो, अगर हमें बॉर्डर एरिया से आप बेदखल कर रहे हो। नाजायज है ये, बिल्कुल गलत है और अवामी मफाद के खिलाफ है। रोशनी एक्ट अगर नहीं भी होता तब भी ये लोग 100 साल से इन जमीनों तक काबिज हैं। पुश दर पुश इनकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नोटिस ही एक हफ्ता से ये इन्होंने जारी किए। अब हम सरकार को अपना दर्ज करवाना चाहते हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जो कि बड़ा दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं। सरकार से क्या अपील रहेगी? सरकार से हमारी अपील रही कि फौरी तौर पर ये बदनज़मी खत्म करने के लिए इस हुक्म को वापस लिया जाए। चाहे फॉरेस्ट के कोई मामला हो, चाहे कोई दूसरे किसी महकमे के मामला हो, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और LG साहब की इंतजामिया को आज वार्निंग देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि अगर कोई भी एक्शन इस आवाम के खिलाफ किया गया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी याद रखेंगे, तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज हुआ था। यहाँ से इंशाअल्लाह ताला किसान आंदोलन के तर्ज अमल पे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सर इसके बारे में यह है कि हमने जो
कोशिश करके इसको ट्रांसफार्मर का पैसा ऊपर से लाया, फिर हमने ये पीडीडी को दिया, इन्होंने टेंडर किया, ठेकेदार अपने जे साहब ने भी, के साहब ने भी, ये अपने चीफ एक्सिन साहब ने, सब ने मदद की और इस मरले के लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ बिजली की बहुत कमी थी, इस ना होने की वजह से पानी भी नहीं मिले। मतलब पावर हाउस से पिछले लगभग चार दिनों से एक बच्चा अपने घर से है लापता, पुलिस की टीम इस बच्चे को ढूंढने के लिए हर संभव कर रही है कोशिश, लोग भी इस बच्चे के घर रोकने की कर रहे हैं। जहाँ जहाँ साइट दी हुई है वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भेजे हुए हैं और मैं आपके माध्यम से बेल्ट फोर्स को धक्का दूंगा जो तीन दिन से ऑपरेशन डीएसपी एसपी साहब और उनकी पूरी टीम उस बच्चे को ढूंढने में लगी है। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि इस तरह के वाकया हमारे कुछ में पहुंच जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को कहना जरूरी पड़ गया कि जब भी मार्केट में आओ अपने बच्चों का ध्यान रखो। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कश्मीर में पत्रकारों से की बात। देखिए कश्मीरी पंडितों को जो उन्होंने अनुभव किया उस अनुभव दोबारा उनको अनुभव नहीं करना चाहिए, इसीलिए उस समय हम उनको कहेंगे कि अब तुम जा सकते हो जब पूरा व्यवस्था हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और दूसरा है कि व्यवस्था के लिए मैं मेरा सुझाव है कि 1,00,000 जो पहले सेना में थे सैनिक और रिटायर हो गए, और वहाँ तो सेना में तो जल्दी रिटायर हो जाते 45 में और अभी भी बंदूक चलाते चला सकते हैं, वो उनके परिवार सहित 5 साल के लिए कश्मीर में बसने के लिए उनको आग्रह करेंगे और उस हिसाब से हम उनका जो तनख्वाह है ये सारी चीजों को डिटरमिन करेंगे। नवरात्रों के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी श्री माता वैष्णो देवी का दरबार देशी फूलों से सजाया गया और किया गया। श्री मनोज सिन्हा जी की हमारे उपराज्यपाल जी की अध्यक्षता में श्राइन बोर्ड चल रहा है और उनके निर्देशों का ही सब जगह पर अनुसरण हो रहा है और श्राइन बोर्ड में यात्रियों की व्यवस्था बहुत अच्छी और सुदृढ़ व्यवस्था है। यात्रियों का रहने का प्रबंध, रहने का प्रबंध जो भी है वो सब प्रकार से बहुत है और शाम के अनुसार यहाँ पर श्राइन बोर्ड के अधिकारी जो हैं वो बहुत बड़ी प्रकार से यात्रियों की अच्छी व्यवस्था के लिए, उनके सुख के लिए, अच्छी यात्रा संपन्नता के लिए दिन रात प्रयास करते रहते हैं।